बाहुबली 3 मूवी की जगह फैंस को देखने को मिलेगी बाहुबली 3 सीरीज। क्या 30-40 मिनट्स एपिसोड्स में भी अपने 3 आर फिल्म का जादू बरकरार रख पाएंगे राजामौली? स्वागत करती हूँ मैं प्रियंका आप सभी का बॉलीग्रेड स्टूडियोज पे। बाहुबली 3 के गुहार फैंस इतने सालों से उसी तरह से लगा रहे हैं जैसे फिल्म में भल्लाल देव के तिलक के समय जनता ने अमरेंद्र बाहुबली नाम की गुहार लगाई थी। और आखिरकार इन अटल कोशिशों के बाद राजामौली का सिंहासन कांप गया और उन्होंने ऑडियंस को वो देने का फैसला किया जो वो चाहते हैं, बाहुबली 3। पर क्या इस बार ये कहानी सीरीज बनकर जनता के सामने आएगी? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दरअसल खबरें हैं कि एसएस राजामौली नेटफ्लिक्स के साथ बाहुबली फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म सीरीज के तौर पर रिलीज करने की फिराक में है। जैसा कि हमने आपको अपनी वीडियोस में बताया ही था, बाहुबली 3 शिवगामी की कहानी होगी, उनके शौर्य और रिवेंज गाथा को बयां करेगी। हो सकता है इस सीरीज को 5 एपिसोड्स में रिलीज किया जाए। आप सोच रहे होंगे कि अब तो फाइनल है, मतलब ये सीरीज जल्द ऑडियंस को देखने को मिलने वाली है। लेकिन इस बात पर हमें आपको थोड़ा निराश करना होगा, क्योंकि भले ही नेटफ्लिक्स ने पहले सब कुछ फाइनल कर दिया था, यहाँ तक कि प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू कर दिया था और कुछ सीन्स तक शूट कर लिए गए, लेकिन बाद में नेटफ्लिक्स वालों के पास शायद कहीं से पैसे ही पैसे आ गए और उन्होंने फिल्म को पूरे करने से पहले ही ब्लॉक कर दिया। शायद इनकम्प्लीट बाहुबली 3 को राजामौली फिर भी प्रायोरिटी देते, लेकिन अब इसे शुरू से शुरू करना होगा जो अभी राजामौली के बिजी शेड्यूल में पॉसिबल नहीं है, जो फिलहाल अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट RRR में व्यस्त है। ऐसे में क्या ये सीरीज बन पाएगी, कोई नहीं जानता। वैसे भी राजामौली अपने प्रोजेक्ट्स को OTT पर रिलीज करने में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अपने रॉयल सीन से जो मैसिव इम्पैक्ट वो क्रिएट करना चाहते हैं वो सिर्फ थिएटर्स में ही पॉसिबल है। ऐसे में क्या वो वाकई अपनी सुपरहिट फ्रेंचाइजी को नेटफ्लिक्स तक लिमिटेड रहने देंगे या फिर ही विल बेटर गो विद द 3 आर फिल्म फॉर्मेट? आप बाहुबली 3 की कहानी किस फॉर्मेट में देखकर ज्यादा खुश होंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्क्रिप्ट रिटन बाय उपासना पांडे।